नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में धर्मांतर रैकेट का जब से भंडाफोड़ हुआ है तब से एक एक करके बड़े खुलासे हो रहे हैं। इन धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश करने के बाद यूपी पुलिस और यूपी एटीएस जोरों शोरों से काम पर लग गई है और एक एक करके बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में शहगंज थाना क्षेत्र के सैबत गाँव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने धर्म परिवर्तन लिया। इसके बाद से ही परिवार के 3 सदस्य लापता हैं। उधर मामले की जानकारी होने पर गुरुवार को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। लापता लोगों की बरामदगी और धर्मांतरण कराने वाले मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने एसडीएम को पत्र सौंप कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूत्रों ने बताया है कि गुरुवार को हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष अर्षद अग्रेनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए गायब हुए 3 लोगों को बरामदगी और धर्मांतरण कराने वाले मौलवी और उनके साथियों के गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा को भी ज्ञापन सौंप कर लापता हुए परिवार के 3 सदस्यों की बरामदगी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला सहबत गाँव का है। यहाँ के रहने वाले केवल पति के 3 बेटे और 5 बेटियां हैं। ये गांव के ही एक मुस्लिम के यहाँ घरेलू काम करती हैं। आरोप है कि कई साल पहले इस महिला ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना लिया और केवल पति से नाम बदलकर हलीमा कर लिया और बुर्का पहनने लगी। इसके बाद उसने अपने दूसरे बेटे दिनेश का भी धर्म परिवर्तन कराकर उसे अब्दुल्ला और अपनी बेटी रबीता को धर्म परिवर्तन कराकर उसे मुस्लिम बना दिया। बेटी को रबीता से सिर्फ न आर्शिया बनाया बल्कि उसका गांव में किसी मुस्लिम युवक के साथ निकाह भी करा डाला। बात यहीं तक नहीं रुकी। आज से करीब 4 साल पहले महिला ने शादीशुदा बड़े बेटे रमेश को भी उकसाकर मुस्लिम बना दिया। रमेश जब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने लगा और गाँव स्थित मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने लगा तो उसकी पत्नी पुष्पा ने इसका विरोध किया। रमेश की पत्नी पुष्पा ने इस खबर अपने मायके वालों को दी। मायके वालों ने आकर किसी तरह रमेश की दाढ़ी कटवाई और हिंदू रीति रिवाज से रहने की बात कही। हिंदू रीति रिवाज से रहने के लिए कहा गया तो ये बात रमेश को नागवार लगी। एक दिन सब्जी लेने बाजार जाने के बहाने रमेश घर से निकलकर लापता हो गया। घर में पत्नी और 13 साल की बेटी खुशबू लापता रमेश की खोजबीन करने लगी लेकिन कोई भी पता नहीं चला। थक हार कर पत्नी ने पति की वापसी के लिए एक मौलाना से मिली। मौलाना ने 65,000 रुपए में पुष्पा के पति को वापस बुलाने का ठेका लिया। बेबसी झेल रही पत्नी पति को पाने के लिए कर्ज लेकर मौलाना को दे दिए लेकिन आज तक उसका पति रमेश घर वापस नहीं आया। आपको बता दें, हलीमा के 3 बेटे और 5 बेटियां सभी की शादी हो चुकी है। बेटियों में केवल रबीता का मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह हुआ है जबकि सबसे छोटा बेटा मंद बुद्धि बताया जा रहा है। धर्म परिवर्तन के बाद से परिवार के 4 सदस्य घर छोड़कर फरार है। परिवार के भरण पोषण के लिए सबसे छोटा बेटा राजेश मजदूरी करता है और बड़े बेटे की पत्नी पुष्पा घर में टॉफी बिस्किट की दुकान चलाकर घर का गुजारा करती है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।